करेगा मानने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर आज रांची हाई कोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दे चले कि इसी क्रम में जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जब वो सदन पहुंची और उनसे बात की कि आज लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे न्यायालय पर पूरा तरीके से भरोसा है और न्यायालय जो कुछ भी सुनवाई करेगी उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी उम्मीद है कि आज लालू प्रसाद यादव को बेल मिल जाएगी। और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। कृषि बिल पर पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, लालू जी का आज जमानत पे सुनवाई होनी है। फैसला जो लगता है लालू जी को बेल मिल जाएगा। तो आपने सुना साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का यह कहना है कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो मुझे स्वीकार होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है तो क्या सुनवाई में लालू प्रसाद यादव को बिल मिल पाती है या नहीं। तो वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव जो कि चारा घोटाला में सजा याफ्ता हैं और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है और वो रिम्स के डायरेक्टर के आवास पर कुछ दिनों से रह रहे थे, पर कल ही उन्हें फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि वहाँ पर से लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के सुप्रीमो हैं उन्हें वहाँ रिम्स के जो डायरेक्टर के वहाँ पे वो रह रहे थे उनके आवास पर, वहाँ से कल उन्हें पेइंग गेस्ट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो लगातार टाली जा रही है, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो पहला सुनवाई होना था उसके बाद भी एक डेट आई थी जिसको लेकर सीबीआई भी लगातार यह कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिलना चाहिए, जो उनका सजा है उन्होंने अभी तक वो पूरा नहीं किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब आज लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई होती है तो क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब। नहीं होगा।